गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर के एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक की स्टार्ट हमने पिछले ही वीडियो लेक्चर में कर दिया था। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन था वो दो हिस्सों में हम लोगों ने पढ़ा था। पहली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, डिफॉरेस्टेशन, और दूसरा था लैंड डिग्रेडेशन। डिफॉरेस्टेशन और उसको ओवरकम करने का या उसके लिए मेजर्स जो थे हमारे, ये फॉरेस्टेशन, इसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग इस बात का डिस्कशन करेंगे कि हम किस तरह से लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं या इसके मेन कॉजेस क्या हैं, इसके इम्पैक्ट क्या हैं, इन सारी बातों का हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डिग्रेडेशन एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, डिग्रेडेशन नहीं पढ़ रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन पढ़ रहे हैं। तो डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड मीन क्या होता है, लॉस ऑफ फर्टिलिटी। लॉस ऑफ फर्टिलिटी का मतलब क्या है, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड विच ऑकर्स ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो जब फर्टिलिटी लूज होती है, यानी कि लैंड एरिया के जो अपर लेयर होती है, अपर लेयर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, वो जब न्यूट्रिएंट बहुत सारे ऐसे काजेज होते हैं जिसके कारण धीरे धीरे क्या होते चले जा रहे हैं, खत्म होते चले जा रहे हैं। तो उसके खत्म होने से क्या होती है, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। फर्टिलिटी खत्म होने का मतलब क्या, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। और इसके कारण हम जो प्रोडक्शन होना चाहिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो या चाहे वो फॉरेस्टेशन हो, सब के सब धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, खत्म होना शुरू हो जाते हैं, लैंड वेस्ट लैंड के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो उसके काजेस कौन कौन से हैं, सबसे पहला और मेन काज क्या है, सॉयल इरोजन। सॉयल इरोजन का मतलब वो वर्ड से ही, इरोज होना, अपर लेयर का कट जाना। तो इट इज कॉज्ड बाय द स्ट्रांग विंड्स आर फ्लड्स। सॉयल इरोजन मीन लॉस ऑफ अपर लेयर ऑफ द सॉयल। अपर लेयर ऑफ द सॉयल को हम किस नाम से जानते हैं, टॉप सॉयल के नाम से भी जानते हैं, विच कंटेन मेजर न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, एग्रीकल्चर्स के ग्रोथ के लिए, सारी चीजों के लिए हमें इन सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जितनी यूरिया है इसको डाला जाता है तो उसमें लिखा रहता है 46% नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन उसमें होता है, तो वो नाइट्रोजन का यूटिलाइज होता है हमारे प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए इसको हम लोग यूज करते हैं। फिर सेकेंड इसकी होती है कि क्यों लैंड डिग्रेडेड होता है, तो अल्केनिटी एंड सैलिनिटी ऑफ द सॉयल होता है। इसका मतलब सॉयल में जब क्या आना शुरू हो जाते हैं, साल्ट की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, तो ये भी वाटर लॉगिंग के द्वारा होता है। उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, उसमें जो नाइट्रोजन पोटेशियम सब होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। लॉगिंग मीन एक्सेसिव वाटर पूल्ड ऑन द टॉप सॉयल फॉर द लॉन्ग टाइम ट्रेंड टू द सक ऑफ द न्यूट्रिएंट ऑफ द सॉयल एंड रिड्यूस इट फर्टिलिटी। तो ऊपर जब पानी भर जाता है खेत में, मान लीजिए हम बहुत सारे इस समय जैसे रेनफॉल तो आपके एरिया में बहुत ज्यादा हो रही, तो इसके रीजन क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे केवल यानी पैडी वगैरह छोड़ कर बहुत सारे जैसे हम पल्सेस लगा रहे थे, ये सारी चीजें जो भी लगाई होंगी वो जगने के बाद भी पूरी तरह से क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। उसका मेन होता है कि उसके न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं, इसके कारण से वो उनकी ग्रोथ खत्म हो जाती है, वो सड़ जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा इसका काज होता है जिसके कारण उसकी फर्टिलिटी हम लगातार क्या करते जा रहे हैं, लूज करते चले जा रहे हैं। इसका फिर इसके प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, मेन जो कॉजेज हैं वो तो जनरल कॉजेज थे। तो एक अदर कॉजेज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वन ऑफ द मेन कॉजेज है एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन का, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोइट होती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, उसके कारण क्या होता है कि फॉरेस्ट एरिया को हम कन्वर्ट काट काट करके इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल एरिया में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। जो छोटे छोटे एरियाओं में लोग रहते थे, गांव एक छोटा सा होता तो धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, ऐसे जो फॉरेस्ट एरिया थे उनको काट कर वहाँ नई नई इंडस्ट्री सेटअप की जाती हैं, क्योंकि लोगों की जो डिमांड होती है डेली को उनको फुलफिल करने के लिए। फिर वाइड स्प्रेड ऑफ द पॉवर्टी, हमारी कंट्री में एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एब्सोल्युटली पुअर, इट्स अबाउट द 46% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, एंड 23% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। तो दीज पीपल शॉर्ट
इनडिस्क्रिमिनेट ट्री फेलिंग टू मेक अ लिविंग, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्लांट्स जो होते हैं उनको काट कर बेचते हैं, उन्हीं से अपनी खाना बनाने काम करते हैं। इसके कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्लांट्स को काटते हैं, ऐसे मैसिव नेचुरल यानी डिग्रेडेशन होता है या फॉरेस्ट डिग्रेड होता है, एफॉरेस्टेशन होता है, ये इसका एक बड़ा रीजन बन करके हमारे सामने आता है। ऐसे इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन आज सबकी सबकी क्या डिमांड है, टाउन एरिया में जाना, अर्बन एरिया में जाना, तो इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन इज द मेजर कॉज फॉर दी हाउसिंग एंड सिविक एमिनिटीज इन अर्बन एरिया। इट हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज डिमांड फॉर द लैंड एंड एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अदर नेचुरल रिसोर्सेज इन अ कंट्री। इसके कारण क्या होता है कि हम क्या करते थे जब लैंड एरिया, तो हम आज लोगों के अंदर क्या आ गई, ग्रीड आ गई, एक के बजाय दो, दो के बजाय तीन घर, और सिटी एरिया में घर, विलेज एरिया में। इसके कारण क्या होता है, सिटी एरिया में लैंड की डिमांड लगातार इंक्रीज होती चली जा रही। आप देखेंगे शहर के बाहर अब छोटे छोटे प्लाट काट काट के लोग खेत को अपने बेचने लगे, जहां पर एग्रीकल्चर होता था, वीट्स का प्रोडक्शन, राइस का प्रोडक्शन, ये सब होता था, वो सब काट करके अब घर बनना शुरू हो गए, लोगों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई। ऐसे इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो ये दीज आर द मेन फैक्टर्स टू रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द टॉप सॉइल ऑफ द कंट्री। इनका बहुत ज़्यादा आजकल जितना भी हो रहा है, इसीलिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ मूव करने की बात हो रही। इसका मेन रीजन क्या है कि वो अपर लेयर है वो लगातार पूरी तरह से खत्म होती चली जा रही है। जितनी अपर लेयर खत्म होगी उतनी ज़्यादा फर्टिलिटी कम होगी। अपर लेयर खत्म करने का एक बड़ा इंसेक्टिसाइड्स का बहुत यूज होता है, पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, और इसके कारण यानी पूरी पूरी सॉइल ही डैमेज होती चली जा रही है। फिर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है कंट्री में, लगातार किसी भी कंट्री की ग्रोथ उसकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से माना जाता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत बड़ा यानी कॉज होता है किसी भी कंट्री के वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन के कारण, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो स्मोक होता है वो सीरियस पोल्यूटेंट के रूप में हमारी कंट्री में देखा जाता है। तो हमारी कंट्री में क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण लगातार हम इंकरेज कर रहे हैं कि एमएनसी जाएं, हम अपनी कंट्री के इंडस्ट्रीज को इंकरेज कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप करें जिससे हम लोगों की डिमांड पूरी कर सकें, और इसके कारण क्या होता जा रहा है कि पूरा पूरा लैंड डिग्रेडेट होती चली जा रही। ऐसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स भी लगातार इंक्रीज होता चला जा रहा है, जिसके नॉइज एंड एयर पोल्यूशन हो रहा लगातार। आप देख रहे हो कभी कहीं रेलवे डेवलप हो रहा, कहीं पर रोड्स डेवलप हो रही, आपके आसपास ही आप देखोगे कि कहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस डेवलप हो रहा, कहीं गोरखपुर इंडस्ट्रियल लेन डेवलप की जा रही, तो फिर उसके बाद बनारस के लिए रोड्स डेवलप हो रहे। ये लगातार क्या कर रहा है, लैंड उसके आसपास की लैंड डिग्रेडेड हो जाती है, नॉइज पोल्यूशन बढ़ जाता है, जो व्हीकल्स की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये जितनी भी चीजें हो रही इसके कारण कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम सारी प्रॉब्लम्स तो यहाँ नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, टू मेजर प्रॉब्लम्स को हम लोग देखते हैं। एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग होती चली जा रही। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इट इज अ सिचुएशन रेफरिंग टू अ ग्रेजुअल बट कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर, इट इज ड्यू टू द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। तो आप देख रहे हैं टू वर्ड है, एक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है और दूसरा क्या डिफॉरेस्टेशन है। इसके कारण क्या होता जा रहा, टेम्परेचर लगातार इंक्रीज होता चला जा रहा। टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा तो इसके कारण क्या हो रहा, ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड मेनली है, अर्थ सरफेस इसके कारण क्या हो जाएगा, यानी कि हीट होता चला जाएगा। और आज की डेट में देख रहे हैं कि हम लास्ट फ्यू ईयर में ही 0.60 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ है, टेम्परेचर बढ़ गया है। और इसके कारण क्या हो रहा, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा तो जो भी हमारे पास ग्लेशियर है यानी पोलर आइस हो, ये सब के सब क्या होंगे, पिघलने लगेंगे, और इससे सी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और लगातार इसके कारण इकोलॉजिकल डिसबैलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग बड़ा फैक्टर है, और माना जा रहा है कि अगले कुछ यानी लगभग 50 ईयर में हम 4 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अगर 4 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो लगभग 30% ग्लेशियर और पोलर आइस है वो मेल्ट हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, जो सी लेवल वो बहुत हाई हो जाएगा, और जितना ज़्यादा सी लेवल हाई होगा उतनी ही ज़्यादा कंट्री सारी सारी कंट्री का जो लैंड एरिया है वो सी में होता चला जाएगा, और कंट्री धीरे धीरे डिसअपीयर्ड होना शुरू हो जाएंगी।
ओजोन डिप्लेशन, इसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही उसके कारण क्या हो रहा है, रिडक्शन इन ओजोन। ओजोन एक पर्टिकुलर लेयर होती है, आपको सबको पता होगा, और ये लेयर हमें क्या करती है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो हार्म यानी रेज हैं जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज, इनको आने में अर्थ में इनको प्रोटेक्ट करती है हमें। तो दिस आकर ओइंग द एक्सेसिव यूज ऑफ द कूलिंग सब्सटेंस इन एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर एज ओजोन डिप्लेट्स देयर इज अ ग्रेटर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन रीचिंग द अर्थ व्हिच इज द डेंजर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन रिसेंट पास्ट नियरली 5% डिप्लेशन इन ओजोन लेयर हैज बीन रिकॉर्डेड व्हिच इज एंड ग्लोबल कंसर्न। आप सबको बताओ 5% लेयर डिक्रीज हो गई। अगर यही रेट रहा तो अगले 200 ईयर में 150 ईयर में पूरी पूरी लेयर डिप्लीट कर जाएगी, अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो डायरेक्ट अर्थ में आने लगेंगे, जिसके कारण स्किन कैंसर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ अदर प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये सब के सब बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये लैंड डिग्रेडेशन एक बड़ा फैक्टर है। हम लोगों ने इस टॉपिक में क्या पढ़ा कि जो लैंड डिग्रेडेशन है उसके कॉजेस क्या हैं, और कॉजेस के साथ साथ उसके इम्पैक्ट क्या हैं। इम्पैक्ट में एक सिंपल सा इम्पैक्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, ओजोन लेयर के डिप्लेशंस को। तो ये सारे सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जो लगातार हमारे कारण हमारी कंट्री में होती जा रही। तो एक सबसे इसके बाद आपको असाइनमेंट करना है, हाउ डज पॉवर्टी इंड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, हाउ डज इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉजेज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉजेज इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई डिमांड रिवर्सल ऑफ द रिसोर्सेज इन कंटेस्ट टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये चारों क्वेश्चन आपको करने हैं, ये 5 क्वेश्चन आपको।